that little mouse, cause I'm an albatross. क्या आप इस टाइम में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो? क्लाउड किचन क्या है? जोमैटो और स्विगी पैसा कैसे कमाते हैं? उनका बिजनेस मॉडल क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूवी वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड किचन, जोमैटो, स्विगी के बिजनेस प्लान की और वो पैसा कैसे कमा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्लाउड किचन क्या है। आप समझ लो ये कोई फिजिकल रेस्टोरेंट प्रेजेंट नहीं होगा। आप अपने घर से ही फूड को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप इस वीडियो में आगे जान सकते हो। सबसे पहले तो क्लाउड किचन को अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये एक बहुत अच्छा ही बिजनेस प्लान होगा। इस टफ टाइम में जब सारे लोगों के काम बंद पड़े हैं, तब आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करोगे जिससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा और लोगों को भी। इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ के वहां से खाना खाकर आए। वो चाहेगा कि उसके घर पर ही फूड डिलीवर हो जाए। ये है क्लाउड किचन। ये जोमैटो और स्विगी से अलग है, जिनके बारे में हम बाद में थोड़े से बात करेंगे। इसमें आप खुद के घर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो किसी होटल को स्टार्ट करने का, तो उस पे आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपके कई सारे खर्चे होंगे। जैसे कि आपको पहले प्रॉपर्टी लेनी होगी, आपको उसका इंटीरियर और आउटडोर अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको कुक्स लेने पड़ेंगे और जो कटलरी है वो भी आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। यही अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो, इसमें आप अपने घर से ही आप शुरू कर सकते हो। इसमें तो आपको सिर्फ एक कुक का खर्चा पड़ेगा और जो कि जो डिलीवरी में कॉस्ट होगी वो भी आप कस्टमर से भी ले सकते हो। या फिर आपको अगर कुकिंग अच्छी लगती है, आपको खाना बनाना अच्छे से आता है, तो भी आप क्लाउड किचन को खुद परस्यू कर सकते हो। इसके कई स्टेप्स हैं जिन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। सबसे पहले तो है आपको एक वेबसाइट और एक ऐप किसी क्रिएटर से डिजाइन करवानी पड़ेगी, जो कि आजकल कई क्रिएटर इजीली बना देते हैं। उसके बाद आपको FSSAI का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके फूड के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपको डिलीवरी के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके बिहाफ पर वहां पे डिलीवरी करके आए। फिर आप इसको क्लाउड किचन को शुरू कर सकते हो। इसमें ना तो आपको अपना इंडोर अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट होके आए, ना तो आपको महंगी कटलरी खरीदने की जरूरत है। इसलिए कई लोग बिजनेस स्टार्टअप के तौर पर क्लाउड किचन को परस्यू कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोमैटो और स्विगी के बिजनेस मॉडल और वो पैसा कैसे कमाते हैं। जोमैटो और स्विगी एक बहुत ही बड़ी ट्रस्टेड साइट अब बन चुकी है, जिनकी फंडिंग भी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनमें आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट से अगर आप खाना मंगाना चाहते हो, तो आप इनकी ऐप पर जाके उस फूड को ऑर्डर कर सकते हो, जो कि क्लाउड किचन के तौर जैसा ही है। बस क्लाउड किचन में वो आपका खुद आप स्टार्ट करोगे, जबकि जोमैटो स्विगी आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से जाके आपके लिए खाना लेकर आएंगे। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स रहते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये हमें तीन स्टेप्स में के बिजनेस मॉडल को पढ़ना होगा। सबसे पहला स्टेप है डिलीवरिंग सर्विस, फूड डिलीवरी सर्विसेज।
वो आपके घर पर जो फूड देते हैं वो फूड होटल से थोड़ा सा महंगा होता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा मार्जिन का जो डिस्काउंट है वो हो जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई होटल पर मंथ का 5 लाख कमा रहा है, जिसमें कि 50,000 जोमेटो या स्विगी का है, उसमें से उसको कुछ अमाउंट उन्हें देनी पड़ती है। और इनकी जो वेबसाइट है वो भी बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टेड है, इस पर मिलियंस ऑफ यूजर्स अपना फूड ऑर्डर करते हैं। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग। आप सब देख रहे होगे, जब आप जोमेटो या स्विगी को ओपन करते हो तब वहाँ पे आप कोई फूड को सर्च करते हो, वहाँ पे 3-4 आ जाते हैं बेस्ट ऑप्शंस। उनमें से आपने देखा होगा वो किस चीज़ पर होती है, वो कस्टमर रिव्यूज के तौर पर तो होती हैं, पर कुछ रेस्टोरेंट्स अपने फूड को प्रमोट करवाते हैं, अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करवाते हैं जोमेटो पे, जिस पे वो कुछ फीस की अमाउंट देते हैं उनको, ताकि जब कोई सर्च करे तो उनका होटल ऊपर रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स उनके होटल से हो पाए। इसके बाद है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप कोई होटल खोलना चाहते हो, जोमेटो के पास सारे एरिया का डाटा होता है कि इस एरिया में कितने लोग कौन सा फूड मंगा रहे हैं, कैसे रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं। इसलिए अगर आप जोमेटो पे कंसल्ट करोगे तो फिर वो आपको बताएंगे कि इस रीजन में कौन से रेस्टोरेंट को खोलना चाहिए और वो कैसा फूड को प्रेफर करते हैं इस रीजन के लोग। इसके भी वो कुछ फीस को चार्ज करते हैं। ऐसे ही जोमेटो और स्विगी डे बाय डे एक बहुत अच्छे बिजनेस बनने जा रहे हैं। इसलिए जोमेटो और स्विगी एक बहुत अच्छे बिजनेस बन चुके हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू गाइस।